यहाँ पर ज्यादा ध्यान से देखो, एक शॉर्ट में रिवीजन देता हूँ बच्चे लोग के लिए। हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर की स्टार्टिंग में उन्होंने देखे थे कि एसिड वो चीज होती है जो सार बेस वो होता है जो बिटर। हम लोग देखे थे कि हम लोग हर चीज को टेस्ट तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ने कंसेप्ट पढ़े थे आरेनियस का, कि एसिड वो है जिसको अगर आप पानी में डिसोसिएट करते हैं तो आपको एस प्लस आयनिक देगा, और बेस वो है जिसको डिसोसिएट करने पर वो आपको ओ एच माइनस आयन से। हम लोग पढ़े थे कि जिस तरीके से आयोनिक कंपाउंड पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चार्जेस में सेपरेट हो जाते हैं, एन ए प्लस अलग हो जाता है, सी एल माइनस अलग हो जाता है, उसी तरीके से एसिड और बेस भी क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। अब कितना डिसोसिएट होते हैं उसके बेस पर हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड किए थे। कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो वीक एसिड है। सिमिलरली कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ओ एच माइनस दे रहा है अगर डिसोसिएट होकर कंप्लीटली तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो वीक बेस है। हम लोग पढ़े थे अल्कली के बारे में, मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस इज नथिंग बट अल्कली, तो वहां पे एक स्टेटमेंट भी बोले थे कि ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। फिर हम लोग उसके अंदर दो चीज और सीखे थे, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिडिटी ऑफ बेस मतलब कितने एच प्लस आयन्स आपको मिलते हैं एक मोल या एक मॉलिक्यूल एसिड का डिसोसिएट करने पर, ऐसी बेसिसिटी में इसका उल्टा था कितने ओएच वाले आयन मिलते हैं। फिर वो देखे थे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तीन चीज हमने पढ़ी थी, सल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो मैंने बताया था सल्यूट वो जिसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है सल्यूशन। नींबू सल्यूट था, पानी सॉल्वेंट था, और नींबू पानी क्या था सल्यूशन था। हमने एक रिलेशन भी बनाए थे कि सल्यूट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन से, जितना ज्यादा सल्यूट होगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जितना कम सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कॉन्सेंट्रेशन से, पानी कम रहेगा खट्टापन ज्यादा रहेगा ना, जाहिर सी बात है नींबू ज्यादा खट्टापन ज्यादा, नींबू कम खट्टापन कम, पानी ज्यादा खट्टापन कम, पानी कम खट्टापन ज्यादा। याद है आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से हमने उसको सीखे थे, एक तो ग्राम पर लीटर में पढ़े थे और एक तो मोल पर लीटर में पढ़े। मोल पर लीटर में हम लोग उसको मोलैरिटी में बोलते थे, क्या बोलते हैं उसको मोलैरिटी। अब बात करते हैं आगे, हम लोग को ये बात तो समझ में आ गई है कि एसिड और बेस क्या है, या किस तरीके से आप पता करेंगे कि गिवन चीज एसिड है या बेस है, बट ये कैसे पता लगाया जाए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो इसका आंसर एक पर्सन ने दिया, एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था सोरेनसन बच्चे। क्या नाम था? सोरेनसन। सोरेनसन ने ना एक्चुअली एक स्केल बनाया, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। उस स्केल के ऊपर नंबर है 0 से लेकर 14 तक, बाद में आऊंगा 0 से लेकर 14 तक के क्यों नंबर है इसके अंदर, 0 से लेकर 14 तक के इस स्केल के अंदर नंबर है 0, 7 और 14, और बीच में ऐसा कलर कोडिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा कलर कोडिंग है इसके, कलर्स बने हुए। आपके पास जो कंपाउंड होगा अब आपको चेक करना है एसिड है या बेस है, तो आप उसका कलर चेंज करें उसके अंदर इंडिकेटर मिला के, और मैच कर ले कि किससे मैच हो रहा है। 7 मतलब ग्रीन होगा, 0 मतलब रेड के आसपास होगा, वॉयलेट और ब्लू होगा तो 14 के आसपास होगा, आप कलर क्या करेंगे मैच करेंगे। 0 से 7 के बीच में तो एसिड, 7 से 14 के बीच में है तो बेस, और 7 पर क्या होगा न्यूट्रल, 7 पर क्या होगा चलो न्यूट्रल, इसके बीच में हुआ तो बेस, और 7 से लेकर 0 के बीच में हुआ तो एसिड। बोले मतलब ये कि अगर जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जाऊंगा एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते चली जाएगी, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ऐसे जैसे जैसे मैं 14 की तरफ आऊंगा तो बेसिसिटी बढ़ते जाएगी, बेस क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा, समझ में, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ फाइव, तो क्या बोलता हूँ तो फाइव एसिड है, फाइव क्या है चलो, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं सर वो तो 7 के करीब है, मतलब न्यूट्रल के आसपास ही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। बट मैं बोलता हूँ 1, क्या बोलेंगे, हाँ सर एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड है और ये पैर नीचे रख लो बेटा, एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सही है ना। ठीक है, तो
ये समझ में आ गया किस तरीके से एसिड और बेस आप आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा लोग स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये स्केल आप बनी कैसे, हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन में थोड़ा ध्यान से देंगे। असल में उसने क्या किया था, उसने HCl लिया था, 1 मोल HCl, 1 मोल वाटर और मोल, याद है ना मोल का कंसेप्ट चैप्टर 4 में पढ़ाया। उसने क्या किया बच्चों, 1 मोल H2O लिया, क्या लिया पानी लिया, 1 मोल पानी लिया, कितने डिग्री पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, और इसको डिसोसिएट किया, इसको तोड़ा, तो इसके अंदर से उसको 10 टू दी पावर माइनस 7 एच प्लस आयंस मिले, कितने 10 टू दी पावर एच प्लस, 10 टू दी पावर माइनस 7 एच प्लस आयंस। सिमिलरली उसने 1 मोल HCl लिया, HCl आपको पता है एसिड है, H2O क्या है न्यूट्रल है, HCl क्या है एसिड है, इसमें से उसको 10 टू दी पावर माइनस 0 एच प्लस आयंस मिले। Clearly, उसने 1 मोल बेस लिया, that is NaOH, और इसमें से इसको 10^-14 H plus ions मिला। ध्यान से देखो, वो एक्चुअली क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि कितने हाइड्रोजन के आयंस मिल रहे, इसीलिए ना इसका नाम ही रखा गया पीएच स्केल, क्या नाम है इसका, पीएच का मतलब ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर को पोटेंस भी बोलते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली हम लोग चेक करते हैं कि कितना हाइड्रोजन मिल रहा है, तो उसने जब देखा कि एसिड में कितना मिलता है पावर 0, बेस में कितना, न्यूट्रल में कितना मिलता है 7 और बेस पर कितना मिलता है 14, एसिड में कितना 0, बेस पे कितना 14 और न्यूट्रल पे कितना, दिख रहा है ना नंबर 0 से लेके 14 की, तो उसने बोला भैया 0 से लेके 7 के बीच में क्या होगा एसिड होगा, 7 से लेके 14 के बीच में बेस होगा, और 7 पर क्या होगा न्यूट्रल। आपके टेक्स्ट बुक में देखो ये कैसा कलर बना कर दिया हुआ है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो, जो भी कंपाउंड है आप उसको क्या करो, एक तो तरीका हमने पढ़े थे लिटमस पेपर वाला है ना, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं पीएच स्केल की मदद से, क्लियर है। चलो हम लोग के पास ना इंडिकेटर्स होते हैं, अपने पास क्या होते, चलो ये पीएच स्केल समझ में आ गया ना सबको, पीएच स्केल बेसिकली क्या है, देखो होता क्या है अपने पास ना इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर दो तरीके के, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड। नेचुरली मतलब जो हम लोग को नेचर से मिलता है, जैसे हल्दी, रोज पेटल, गुलाब की पंखुड़ी जो होती है, एक आता है कैबेज, वो वॉयलेट कलर वाला कैबेज देखिए आप, पत्ता गोभी वॉयलेट कलर अपने आप बहुत रेयर मिलता है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर। अपना जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर वो लाइकन से ऑब्टेन होता है, वो भी नेचुरल समझा, और कुछ सिंथेटिक होते हैं जो हम लोग बनाते हैं केमिकली बनाते हैं, फेनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज, ये कुछ केमिकल्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, ये भी इंडिकेटर है, इंडिकेटर नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिकेट करेगा क्या करेगा बच्चे लोग कि वो एसिड है या बेस है। जैसे लिटमस पेपर आपको पता है आपके पास अगर रेड लिटमस है, मैंने उसको डिप किया अगर उसका कलर चेंज हो गया, रेड लिटमस का कलर क्या हो गया ब्लू में चेंज हो गया, तो मैं क्या बनूंगा, जो सब्सटेंस था वो क्या था बेस था, क्या था बेस, और अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ होता वो क्या था एसिड था। सिमिलरली अगर ब्लू कलर का लिटमस है आपने डिप किया उसका कलर रेड हो गया था क्या बोलेंगे सांदाली चीज एसिड थी, कलर चेंज नहीं हुआ मतलब वो बेस थी। इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, ऐसे कहा था यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर इंडिकेटर, दो तीन इंडिकेटर को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाते हैं। अब जिसको भी चेक करना उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को मिला देते हैं, उसका कलर चेंज हुआ उसके बाद पीएच स्केल के पास लेकर आते मैच करते हैं जिससे भी कलर मैच होगा। अगर मान लो 3 से मैच हो रहा है तो क्या है वो एसिड है, और अगर 9 से मैच हो रहा है तो क्या है वो बेस। अरे समझा कि नहीं बच्चे, हाँ ना ऐसी कुछ आप लोग अपने डेली लाइफ में इंडिकेटर का एग्जाम्पल देंगे, मैंने टर्मरिक बताया, हल्दी, हल्दी क्या है बच्चे इंडिकेटर का काम करती है, हम लोगों को ये पता नहीं है बट मेरे साथ ये सिनेरियो हुआ था, एक बार मैं खाना पका रहा था घर पे, एक बार तो मेरे कपड़े में हल्दी गिर गई, व्हाइट कलर की टी शर्ट थी उसको हल्दी गिर गई, तो मैं बोला पका लिया तो फिर इत्मीनान से धो लूंगा, तो खाना बनाने के बाद मैं गया उसको धोया तो हल्दी में जब पानी वानी डाला तो थोड़ा फैल गई, तो बोला सोडा लेके क्या करता हूँ, सोडा बोले तो वॉशिंग सोडा लेके क्या करता हूँ वॉश कर देता अच्छे से साफ भी हो जाएगा कपड़ा भी धुला, देसी सोडा डाला कपड़ा लाल हो गया पूरा, क्या हो गया रेड, मतलब
एक्चुअली वॉशिंग सोडा बेस है, वॉशिंग सोडा क्या है बच्चे लोग, बेस है, पर टर्मरिक इंडिकेटर का काम करती है। टर्मरिक में जब आप बेस मिलाएंगे ना, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। समझ में आ रहा है? अभी यही एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले परफॉर्म, देखो पानी है किसी के पास, शांति का कोयला देखो, सब दिखेगा अभी। पेंसिल लो, पेंसिल दिख जाएगा भाई, क्यों सबर ऊपर नहीं लूंगा, पहले रेडी तो करने तो बैठे ही बिना स्कूल से। ये है बच्चों वॉशिंग पाउडर, ठीक है, ये एक कंटेनर में मिला देते हैं। देखो वॉशिंग पाउडर क्या है, बेस है, बेस ही ना, देखो कुछ ना कुछ तो अपने पास बेस के फॉर्म में क्या है, वॉशिंग पाउडर। और ये है हल्दी शायद से, है ना? हल्दी यहां पर किसका काम करने वाली है, इंडिकेटर। हल्दी किसका काम करेगी, इंडिकेटर। ये मिला दिए हल्दी, वैसे तो मैं नींबू यूज करना था, मेरा नींबू लाया नहीं बच्चे ने, तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, डाइल्यूट HCl। HCl मतलब ऐसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में, तो इसको यूज कर लेता हूँ मैं, दिख रहा है? हाँ ये क्या बच्चे लोग, डाइल्यूट ऐसे एसिड है, HCl ना, HCl। डिसॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा, सर थोड़ा बाद में, क्या बेटा ये हो गया अपना बेस, इसमें तो ऐसे डिसॉल्व फॉर्म में ये मिला दिए हल्दी। पेंसिल जलेगी थोड़ी, ठीक याद है, वो हल्दी किसका काम करने वाली है, इंडिकेटर का। हल्दी किसका काम करने वाली है, इंडिकेटर। अब ये क्या है, एसिड। अगर मैं एसिड को इसके अंदर मिलाता हूं तो लेट्स सी इसका कलर चेंज होगा, या मैंने अभी बताया था बेस ऐड करने पर कलर चेंज होता है, मतलब एसिड ऐड करने पर कलर चेंज, नहीं क्यों कलर चेंज होगा क्या, सर वैसी है कलर में कोई भी चेंजेस, व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड बेस। अब देखो यहां पर मैं बेस ऐड कर रहा हूं, कलर देखना रेड हुआ, मतलब कि अगर हल्दी में बेस ऐड होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, और ये इंडिकेटर है। अगर उसका कलर चेंज हुआ मतलब गिवन चीज क्या थी, बेस थी, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब गिवन चीज क्या थी, एसिड थी। गिवन चीज क्या थी बच्चे लोग, एसिड थी, समझा कि नहीं आया ना, इसको नीचे रखो, नीचे रख तो गिर जाएगा, नहीं तो वो, ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग, ये बात समझ में आ गई, इंडिकेटर समझ में आ गए। इंडिकेटर बहुत सारे टाइप के हैं, बट हम लोग अलग अलग टाइप के सारे तो नहीं डिस्कस कर सकते हैं, तो बाकी सब का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, और यहाँ पर एक इंडिकेटर का हम लोग एग्जाम्पल देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर न्यूट्रल चीजें क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। नाम में उसके आंसर है, न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रल चीज क्या होगी, फॉर्म होगी। अब ये कैसे फॉर्म होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब भी आप एसिड को बेस से रिएक्ट करोगे, जब भी आप एसिड को बेस से रिएक्ट करोगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं बच्चे लोग, सॉल्ट एंड, सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल है ना, सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल है। तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर देखो रिएक्शन भी लिख रहा हूं, पहला रिएक्शन क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोगों को बहुत सारे रिएक्शन दिया हुआ है जो 10th में वापस से आएंगे,
तो ध्यान से देखिए इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, आप एसिड को किससे रिएक्ट करेंगे बच्चा लोग, बेस से। क्या बनाएगा ये, सॉल्ट एंड वाटर। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कभी भी एसिड को बेस से रिएक्ट करो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देता हूं, आपके पास HCl है, आप इसको NaOH से रिएक्ट करवा दो, किससे रिएक्ट करवाओ, क्या बनाएगा ये, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, सॉल्ट है। NaCl क्या है, तो ऐसे जब बेस से रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल पहले भी दिया था कि जब मूंगी काटती अपने लोग को तो मैंने बताया था सोडा रब करने का, क्योंकि मूंगी जब आपको काटती तो वह एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। आप उसके ऊपर सोडा रब करेंगे तो एसिड बेस से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और आपका जो जलन होगी वो कम हो जाएगी। सिमिलरली खाना खाते हैं एसिडिटी हो जाती है तो सब लोग अब्दुल की दुकान पे जाते हैं सोडा पीने के लिए। तारक मेहता देखते हो कि नहीं भाई, तो अब्दुल की दुकान पे जाते हैं सोडा पीने के लिए, क्यों, एसिडिटी हो गई है। आप जब सोडा लेंगे मतलब बेस लेंगे तो वो एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और बॉडी के अंदर का एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादा एसिड भी तो नुकसान दे ना, ये समझ रहे कि नहीं भैया। तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, चलो सॉल्ट एंड वाटर। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इन दिस फिनोमेना दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल चीजें बन रही है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, पहला रिएक्शन क्लियर। टेंशन में क्यों भाई, हाँ ना तो बोल, नींद आ रही है, हाँ एकदम, ऐसा क्या हो गया सर। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद, ध्यान से देखो, मेटल। अगर मैं किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करूं तो क्या फॉर्म हो, इसमें भी जनरल, आप कभी भी किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे तो वो आपको सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा बच्चे लोग, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन। मैं भी आपको बता, देखो मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर एक एग्जांपल भी लिख रहा हूँ, हर केस में मैं कोशिश ये करूंगा एक जनरल रिएक्शन लिखूं और एक एग्जांपल लिखूं। रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग को वापस फ्यूचर में रिएक्शंस आते और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, टेंथ में भी पूछे जाएंगे, उसको ध्यान से रखो। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, जब भी आप किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाओगे बच्चे लोग, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लिखता हूं, मैंने HCl ले लिया ठीक है और मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं सोडियम से, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो। चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, अरे समझा कि नहीं, एसिड को मैंने किससे रिएक्ट किया, मेटल से, मेटल क्या है, सोडियम इज अ मेटल, आपने रिएक्ट किया तो क्या बना, NaCl दैट इज सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसकी जगह मैग्नीशियम लेते हो तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती, रिलीज हो जाती। डिपेंडिंग अपॉन द मेटल की आप कौन सा ले रहे, हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब भी आप मेटल को एसिड से रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, याद रहेगा। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। एसिड को किससे रिएक्ट कर रहे बच्चे लोग, मेटल के ऑक्साइड से। पहले तो बात करते हैं कि सर मेटल ऑक्साइड क्या है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या होता है उसको, मेटल। जैसे सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ में तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ में आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोलने का मतलब यह है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा आप उसको क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल है, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड। तो अब देखो मेटल के ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करना है, एसिड से। तो याद रखना जब भी मेटल का ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा बच्चे लोग, सॉल्ट एंड वाटर। ध्यान से एसिड को आप किससे रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल के ऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करेगा बच्चे लोग, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड
वाटर। एग्जांपल लेता हूं, मैं HCl ले लेता हूं चलो, और इसको रिएक्ट कर देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से। किससे रिएक्ट कर देते हैं? तो यहां पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए इधर पे 2 लिख देता हूं। अरे समझा कि नहीं? MgCl2 इज व्हाट? सॉल्ट। MgCl2 इज व्हाट? आप चेक कर लो ना, ना इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें OH है, ना H+ है ना OH- है, मतलब ये क्या है? सॉल्ट। अरे हां है ना बच्चों, MgCl2 क्या है? सॉल्ट। और H2O तो सभी को पता ही क्या है? वाटर। तीसरा रिएक्शन क्लियर, तीन रिएक्शन। पहला क्या था? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़े? जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा में पढ़े रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बेस। तीसरा में पढ़े रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अभी तक के एसिड का रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, अब किसकी बात करेंगे? बेस की बात करेंगे। अगर मैं किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करता हूं तो क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहां पर मैं, अच्छा ठीक है, जनरल एग्जाम्पल लिखना है ना, पहले जनरल एग्जाम्पल लिख देते। तो याद रखो बच्चों, जब भी कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा, तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करेगा बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल का ऑक्साइड थी तो कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। जब वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ले लिया बच्चे, और उसको रिएक्ट करवा देते हैं NaOH से। किससे रिएक्ट करवा देते हैं? NaOH क्या है? बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे बच्चे लोग, तो ये बनाएंगे Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, Na2CO3 क्या है? सॉल्ट है, H2O क्या है? वाटर। अरे समझा कि नहीं भैया? क्लियर? देखो इन सब में मैंने जनरल फॉर्म के रिएक्शंस भी लिखा हूं ताकि आपको पता रहे कि जब भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा, जब भी कोई मेटल नॉन मेटल मेटल एसिड बेस से रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर वाटर बनाएगा, जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन याद रहेगा बच्चे लोग? हाँ ना बोलो। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन के ऊपर हम लोग को फ्यूचर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एग्जांपल दिया है, एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट क्लासरूम में बताते हैं, मैं यहाँ तो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, 10th में वापस आएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या है इसको समझ, जैसे ये मैंने अभी लिखा ना Na2CO3, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है इसको? एक होता है NaHCO3, क्या होता है बच्चे लोग? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या होता है हम लोग? सोडियम कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, समझा? तो क्या हो अगर मैं मेटल को, सॉरी एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करूं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है। बट उससे पहले अपने को एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी में डिस्कस करते हैं। उसने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिया है और उन दोनों का ऐसा बैंड ट्यूब आता है, उन दोनों को एक बैंड ट्यूब से क्या करते हैं, ज्वाइंट कर दिया कि अगर इसके अंदर से कोई चीज रिलीज हो तो वो बैंड ट्यूब के थ्रू वो किस में आ जाए, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में उसने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया, क्या लिया बच्चे लोग? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने बेकिंग सोडा लिया या वॉशिंग सोडा, बस NaHCO3 बोलो या Na2CO3, अपने लोग अभी जो
वॉशिंग पाउडर यूज कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कपड़ा धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा रहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, NaFeO3 क्या है, खाने वाला सोडा है, और ये धोने वाला सोडा है Na2CO3। समझ में आया? तो हम लोगों ने अभी जो सर्फ एक्सेल जो भी लिए थे वो क्या था, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट था, याद रखो। तो मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके अंदर क्या मिलाया मैंने, लेट्स से एसिड ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बच्चे लोग उसके अंदर? एसिड ऐड कर दिया। उसने एसिड के नाम पर लेमन जूस ऐड किया। उन्होंने पढ़े थे लेमन के अंदर भी एसिड है, आप HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। बहरहाल उसने एक्टिविटी में बोल रहा है कि उसने क्या यूज किया, नींबू का रस, बेकिंग सोडा लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, नींबू का रस ऐड किया। तो जाहिर सी बात है ये लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, अरे दो केमिकल मिलाऊंगा तो रिएक्ट करेंगे ना। तो उसने बोला कि मैंने ऊपर से जैसे उसके अंदर उसने ऐड किया नींबू का रस, उसने उसके ऊपर क्या मिला दिया, वो बैंक ट्यूब लगा दिया, ताकि इसके अंदर से जो भी चीज निकले वो कहां पर जाए, सेकेंड वाले ट्यूब में जाए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इस सेकेंड ट्यूब में हम लोगों ने क्या रखे थे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। क्या रखे थे बच्चे लोग? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। आप देखेंगे इसका जो कलर है वो मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें? मिल्की कलर में। कलर चेंज हो रहा मतलब वो भी किसी से रिएक्ट कर रहा होगा। हाँ, कलर चेंज हो रहा मतलब वो भी क्या कर रहा होगा, किसी से ना किसी से तो रिएक्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है। तो याद रखो बच्चे लोग, जब भी लाइम वाटर का कलर मिल्की में चेंज होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्ट करता है बच्चे लोग? कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पर देखो मैं इसका एक रिएक्शन का लिख रहा हूं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लोग लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइम वाटर। और जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे, किससे रिएक्ट करवाओगे बच्चे लोग? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है बच्चे लोग? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? मिल्की कलर होता है। मिल्की कलर मालूम है? मिल्की कलर दूध के जैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर होता है कि लाइम वाटर में क्या ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी उसका कलर किसमें चेंज होगा? मिल्की कलर में। ये रिएक्शंस को हम लोग ना पुराने टाइम पर माइंस के अंदर यूज करते हैं। माइनिंग के अंदर हम लोग को पता है बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है। जैसे इस रूम में अगर मैं CO2 रिलीज कर दूं तो हम लोग जिंदा रहेंगे? हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर सिर्फ CO2 रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे। जमीन के नीचे जब माइनिंग होती है तो अलग अलग गैसेस निकलती है, तो जाहिर सी बात है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गई तो जो लोग नीचे काम कर रहे हैं वो लोग तो मर जाएंगे। इसीलिए वो लोग क्या करते थे? लाइम वाटर रखते थे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अगर उसका कलर चेंज होने लगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फटाफट सारे लोग क्या करते थे? माइन को इवैक्यूएट, खाली कर देते। जब गैस रिलीज हो जाती थी तो फिर नीचे वापस से आते थे माइनिंग, जान बचा लेते। आज के टाइम पर तो अपने पास बहुत सारे मीटर्स आ गए जिसकी मदद से ऑक्सीजन सेंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर है, उसकी मदद से पता लगा लेते। बट पुराने टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोग किसका यूज करते थे? ये टेक्निक है, इस रिएक्शन का। समझा कि नहीं बच्चा? हाँ ना। लाइम वाटर को आपने किससे रिएक्ट करवाए? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कलर कैसा होगा? मिल्की। लाइम वाटर का कलर अगर बदल रहा नहीं मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ऐड हुई। अरे समझा कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक बात समझो कि भैया हम लोगों ने चार रिएक्शन है। पहला रिएक्शन कौन सा था? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़े? एसिड को बेस से रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल दिया था, एसिडिटी हो गई, अब्दुल की दुकान पे जाने गए बेस खाने के लिए। बहुत सारे देखो ईनो पीते हैं, एसिडिटी होती है, ईनो क्या है? बेस है। उसके ऊपर देखो लिखा रहता है एंटासिड, तभी पढ़ना उसके ऊपर लिखा रहता है एंटासिड, मतलब एसिड के अगेंस्ट में काम करना था, मतलब बेस। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अगर आप एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा? अंदर पढ़े सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर पढ़े रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को अगर आप एसिड से रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर हम पढ़े रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। याद रहेगा बच्चा? हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब लिख लो ठीक है। याद
नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्या पहले इस टॉपिक को समझ लो, फिर इसके ऊपर भी एक एक्टिविटी देखेंगे हम लोग। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या है बच्चों, कभी कभी ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने में जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अपने पास ना दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक वो जिनका कोई डेफिनाइट स्ट्रक्चर है और एक वो जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं। जिनका कुछ स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्या होता है उसको क्रिस्टलाइन, और जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उसको एमोरफस बोलते हैं, क्या होता है उसको एमोरफस। तो हम लोग अभी बात करें किसकी, क्रिस्टलाइन। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। अगर पानी नहीं होगा, अगर पानी नहीं होगा तो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, पानी होगा तभी उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट, अगर आप कॉपर सल्फेट को ध्यान से उसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ो तो CuSO4.5 molecules of H2। यहाँ पर देखो मेरे पास कॉपर सल्फेट है, इसकी केमिकल फॉर्मूले को ध्यान से देखो CuSO4.5H2। पांच वाटर के मॉलिक्यूल भी है इसके अंदर। इसका कलर कैसा है, ब्लू है। अगर मैं इसको हीट करूं तो हम लोग पता है जब आप हीट करेंगे तो पानी उसमें से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, आप देखेंगे उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। और जैसे ही मैं फिर से पानी मिलाऊंगा उसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू। देखो आपने जब उसको हीट किए तो पानी उसमें से निकल गया, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट गया, क्योंकि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने में पानी क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। आपने हीट किए, पानी भाप बन के निकल गया, सिर्फ क्या बचा CH, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूटा तो उसका कलर भी क्या हो गया, चेंज। बट आपने जैसे ही पानी मिलाए फिर से उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या करेगा फिर से उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगा। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में मदद कर रहा है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया, एक एग्जांपल दो उसका, यहां पर देखो बॉयज, याद है बच्चों, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से, देखो ना सब अपना शाइन कर रहा है, है ना, शाइन कर रहा है। ये ब्लू कलर का ये सॉल्ट है बेसिकली, कॉपर सल्फेट क्या होता है सॉल्ट, बट ये अलग बात है, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। मैं पता चल तुम घर पे चुरा के लेके चलेंगे, मैं दाल दाल में डाल दी, यही खाते देख रहे हो शाइनी एकदम, मतलब इसके पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको हीट, क्या करना है उसको हम लोग हीट कर डालते हैं, और फिर देखेंगे कि इसका जाहिर सी बात है मैं हीट करूंगा तो इसका जो साइड वाला पोर्शन है वो ज्यादा हीट होगा, है ना, ये जो साइड के पोर्शन है पेरिफेरी वाले वो ज्यादा हीट होंगे, सेंटर वाला ज्यादा हीट नहीं होगा। तो साइड से ना कलर व्हाइट होता है, नोटिस कर। अच्छा अभी इसके ऊपर कोई भाप दिख रही है, कोई वाटर वगैरह कुछ दिख रहा है, मैं जब हीट करूंगा तो देखना इसके ऊपर पानी धीरे धीरे जमा हो, कंडेंस होता है ना पानी ऊपर आने के बाद, तो नोटिस कर रहे हीटिंग करते हैं, हीट करने के लिए कैंडल वगैरह कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी कोई पानी नहीं था ना पहले, क्रैकिंग नॉइज़ आएगी अगर बिना आवाज के सुनोगे,
चटकने वाली आवाज आ रही है ना, कार्बन डिपॉजिट होता है। दिख रही भाप? हाँ, देखो पानी उसमें दिखने लगा होगा। अब मैं दिखाई तो काल कर रहा है पानी उसके अंदर, पहले नहीं था ना, मतलब इस कॉपर सल्फेट के अंदर पानी था, देखो वहां पे भाप भी निकल रही हल्के लिए, फ्लेम वाटर इवोपरेट हो रहा है। कंटिन्यू यूज नहीं करते एक ही जगह पर, नहीं तो टूट कांच ग्लास हो जाएगा। देखो कितना पानी जमा हो गया, दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में, देखो कितना पानी है। पानी है ना, तो जानबूझ के टेढ़ा कर दिया था कि आपको दिखे वो वाटर। पानी की तरह देखो कितना पानी जमा हो गया, उठा ले अब कार्बन डिपॉजिट होता है। लेट्स सी, तो कोई पेपर दो, उसको मिले वहां से वो वाइट हो गया। अब जैसे ही आप इसके अंदर वापस से पानी मिलाएंगे तो इसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू बोलने का मतलब पानी दिख भी रहा है, वो पानी इसमें से निकलते दिख रहा है, पानी तो ऐड नहीं किए थे बट स्टिल इसमें पानी आ रहा है, मतलब वो जो वाटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, आवाज नहीं करेंगे। वो जो वाटर है वो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा। अगर पानी नहीं रहेगा तो कॉपर सल्फेट सिर्फ CuSO4 रहेगा और उसका कलर कैसा रहेगा बच्चों, व्हाइट में कैसा रहेगा, बट जब आप उसके अंदर पानी मिला देते तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ब्लू। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने में पानी क्या कर रहा है, हेल्प। समझ में आया? तो वो वाटर अब देखो उसका कलर कैसे ब्लू हो गया पूरा, समझ में आया? तो भैया ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आएगा सबको, वो वाटर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। इस कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू व्हाइट रॉक में बोलते हैं, ब्लू कलर था उसका, इसीलिए इसका हम लोग दूसरा नाम क्या रखते हैं बच्चे लोग, ब्लू व्हाइट रॉक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, बट उससे पहले अगर आपको याद हो लास्ट ईयर उन्होंने एग्जीबिशन रखे थे तो उसमें मैंने इस इलेक्ट्रोलिसिस वाला ना एक्सपेरिमेंट रखा था। आप इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं। अगर वो वीडियो देखोगे उसका जो हम लोग वीडियो बनाए थे, तो उसमें एक बच्चा ऐसा मतलब स्केल स्टील की स्केल को डिप करता है, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले दो चीज आप समझो, एनोड और कैथोड, ये दो चीज समझ लो फिर हम लोग उसके ऊपर आते हैं। एनोड बच्चे लोग बेसिकली वो चीज को बोलते हैं, वो टर्मिनल को बोलते हैं जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, बैटरी के पॉजिटिव। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेटल का बना हो सकता है, नॉन मेटल का बना हो सकता है, जिसका भी बना हो, अगर आप उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो उसका नाम क्या रखेंगे, एनोड, और अगर आप उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड। क्या बोलेंगे इसको,
एनोड बोले तो पॉजिटिव, कैथोड बोले तो नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जांपल अपने बुक में दिया हुआ है, मैं इसको बोलता हूं औरतों को बेवकूफ बनाने की टेक्निक। ऐसा क्यों बोलते हैं बाद में बताऊंगा। हम लोग यहां पर ना एक सोल्यूशन लिए हैं कॉपर सल्फेट का, COSO4 का। अब आपको भी पता है कि पानी के अंदर जैसे सॉल्ट को डालते हैं सॉल्ट डिसोसिएट होता है। याद है मैंने बताया ना NaCl जो है नमक जो है, आप जब उसको पानी में डालते हो तो नमक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, तभी तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा था, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो जब आप CuSO4 को पानी में डालोगे तो ये भी सेपरेट हो जाएगा, Cu++ अलग हो जाएगा और SO4- क्या हो जाएगा बच्चे, अलग हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड को डिप कर दें, क्या करते हैं चलो दो इलेक्ट्रोड को ऐसा डिप कर दी, एक को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब जाहिर सी बात है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो एनोड होगा। आया ना बच्चे लोग, ये अपना जो एनोड है ये कॉपर का बना हुआ है, किसका बना है कॉपर, और ये बना है कार्बन, किसका बना है। अब ध्यान से देखो होगा क्या, मैं जैसी बैटरी को ज्वाइन करूंगा इसमें से करंट फ्लो होगा, क्यों फ्लो होगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है, अरे आयन है ना, Cu++ है और SO4- है, तो इसके अंदर से चार्ज क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे, मतलब करंट क्या होगा फ्लो होगा। अब ध्यान से देखो ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो कॉपर के आयन से ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ जाएंगे नेगेटिव की तरफ। तो ये जो Cu++ है इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu++ है बच्चे लोग, Cu++ जो है वो किसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, कार्बन के ऊपर, कार्बन नेगेटिव है, कॉपर के आयंस पॉजिटिव है, वो किसकी तरफ जाएंगे कार्बन की तरफ, और कार्बन के ऊपर कौन जमा होने लगेगा, कॉपर जमा होने लगेगा, मतलब कॉपर उसके ऊपर क्या होने लगेगा डिपॉजिट होने लगेगा, किसके ऊपर कार्बन के ऊपर। समझ में आ रहा है। अब जाहिर सी बात है जब इसमें से कॉपर निकलेगा सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन में से कॉपर कम होने लगेगा ना, तो ये जो कॉपर का हम लोगों ने एनोड रखे इसमें से धीरे धीरे कॉपर निकल के कहां पर आएगा, अरे बोलो सॉल्यूशन में आएगा, और फिर सॉल्यूशन में का कॉपर कहां चलते जाएगा, कार्बन के ऊपर डिपॉजिट होते जाएगा। अगर आप नोटिस करो तो हम लोगों ने कार्बन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ाए, कॉपर की, किसकी लेयर चढ़ाए, ऐसे में कोई दूसरा मेटल रखता तो उसकी लेयर चढ़ जाती है, अरे हाँ है ना। मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ, अगर मैं बात करूं एड एनोड, किस पे बात करूं बच्चे लोग, एनोड पर क्या हुआ, एनोड किसका बना था, कॉपर का ना, उसने क्या किया, कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर के आयंस, किसमें कॉपर था, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन से फॉर्म में आया, Cu++, कहां पर चले आया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या बन गया वो Cu++। अब ये जो Cu++ जो सॉल्यूशन में पहले से है वो किसके ऊपर जा रहे हैं, कार्बन के ऊपर, बट वो आयंस है ना कार्बन पे डिपॉजिट होने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या चाहिए, तो एड कैथोड ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन और यहां वाले जो Cu++ के आयंस है सब कंबाइन होंगे और किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर, अरे कार्बन के ऊपर कॉपर डिपॉजिट कर रहा है ना, कॉपर का आयन भी डिपॉजिट कर, इसीलिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन लूज रहे वो कौन लेगा, Cu++ के आयन, जो कहां पर जाने वाले कार्बन के ऊपर। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे इसमें से जो सॉल्यूशन में कॉपर था वो किसके ऊपर जमा होने लगेगा, कार्बन के ऊपर, और आपके एनोड में का कॉपर निकल के धीरे धीरे किधर आने लगेगा सॉल्यूशन में, और इस तरीके से आपने कार्बन के ऊपर किसकी लेयर रखे बच्चे लोग, कॉपर की। अब मान लो मैं बताऊं कि मैं यहाँ पर गोल्ड का सॉल्यूशन लेता, गोल्ड के पानी का सॉल्यूशन लेता, गोल्ड भी नहीं लेता, गोल्डन कलर ले लेता, कोई ऐसी चीज जो गोल्ड की कलर की उसका सॉल्यूशन लेता, तो यहाँ पर कौन सा कलर डिपॉजिट होता, गोल्डन कलर। मान लो मैं यहाँ लोहा रखे तो लोहे में किसका कलर चढ़ता, सोने का, फिर मैं उसको बनाता ज्वेलरीज और उसको मार्केट में लाके बेचता, खाली लोहा बेचता तो कितना मिलता, 50 रुपए किलो, बहुत ज्यादा से ज्यादा। अब मैंने उसके ऊपर क्या चढ़ाया, सोने का पानी चढ़ाया और बनाया क्या हूँ ज्वेलरीज, फिर मार्केट में आती 500 रुपए की, 1000 रुपए की इयर रिंग्स लेकर आते, इतनी सी इयर रिंग 150 रुपए की लेकर आते हो ना तुम लोग, तो बेवकूफ बनाने की टेक्निक नहीं, ये बकरी में नहीं करते इयर रिंग्स वगैरह जाके नेकलेस, तो ये वो ये ईद से वो ईद तक के चलता नहीं कि खराब, फिर अगले ईद में फिर बोले नहीं 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 मैचिंग नहीं मिल रहा, दूसरा लेकर आने गए,
अरे शॉपिंग नहीं करते क्या तुम लोग? ये बकरीद में तुम लोग क्या नेकलेस वगैरह नहीं लेकर आते? तुम लोग बाहर से भी नहीं? अच्छा ये गरीब बच्चे इसको नहीं लेकर बता रहा हूँ मैं, लेकर आते हैं ना मार्केट में देखो। वो सब क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो सब क्या बच्चे लोग? एक मेटल के ऊपर हम लोग ने दूसरे मेटल की क्या कर दी है? कोटिंग चढ़ा दी। उसको क्या बोलते हम लोग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इसका नाम क्यों पड़ा? आप देखो हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। कॉपर सल्फेट को हम लोग ने क्या किया? ब्रेक किया। लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इलेक्ट्रो मतलब करंट की मदद से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोलिसिस पड़ा। अरे समझा कि नहीं बच्चे लोग? रिएक्शन क्लियर है कि रिएक्शन में वैसे भी कुछ? इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल और दिया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को तोड़ना। किसको तोड़ रहे? हाइड्रो मतलब वाटर ना, लिसिस का मतलब तोड़ना। पानी को तोड़ेंगे कैसे? तो हम लोग को बुक में बताया कि भैया हम लोग पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए, क्योंकि प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होता, इसीलिए उसमें नमक ऐड किए और फिर उसका हमने क्या कर दिए? इलेक्ट्रोलिसिस। अब जब आप पानी को तोड़ोगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस। हम लोग को पता है पानी में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन गैस ज्यादा और ऑक्सीजन गैस कम। हाइड्रोजन प्लस होती है तो वो नेगेटिव की तरफ जाती है और ऑक्सीजन नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव की तरफ। तो हाइड्रोजन के बबल्स ज्यादा दिखेंगे और ऑक्सीजन के बबल्स कम। फेसबुक में डायग्राम यहाँ पर दिया भी है, देखो एक जगह पे बबल्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं और एक जगह पे बबल्स क्या है? कम है। हाइड्रोजन पॉजिटिव था तो किसकी तरफ गया? देखो नेगेटिव की तरफ। ऑक्सीजन नेगेटिव था तो किसकी तरफ गया है? पॉजिटिव। तो हम लोगों ने पानी को जब तोड़े तो क्या बने उसको? हाइड्रोलिसिस। अरे समझा कि नहीं भैया? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है? घर पर जाकर रिवीजन करेंगे, जो नहीं आता पूछो। अगले लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगा आप लोग, अगर डाउट नहीं आए, ठीक है?